बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसकी दो कंडीशंस को हमने डिनोट किया, जिसमें केसी हैज़ नो यूनिट एंड देन हमने फाइंड आउट किया कि केसी हैज़ यूनिट, राइट। सो केसी हैज़ यूनिट में हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि एक ये है कि जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर दैन द रिएक्टेंट था, राइट। ये हमने एक्सप्लेन किया है, वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है इज़ लेस दैन द रिएक्टेंट, जिसमें अगर हमारे पास प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो रिएक्टेंट से लेस होंगे, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास यूनिट क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर वी हैव द एग्ज़ाम्पल, नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड दे विल फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, राइट। तो इसका केसी हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, अगेन यहाँ देख लें, पहले आपने प्रोडक्ट लिख लिया, ये कंसंट्रेशन ऑफ ये प्रोडक्ट हो गया एंड देन ये इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये पावर में चले जाएंगे एंड देन इसके बाद ये नाइट्रोजन इसकी कंसंट्रेशन लिख दी एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगेन यहाँ पे जो चीज़ें ये आपकी पावर में चली जाएगी, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये पावर में चले जाएंगे, राइट। नाउ इसका जो यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अब चूंकि ये दो हैं तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे भी हो सकते हैं ना, इसको अगर हम ओपन करके लिखें NH3 एंड NH3, इसका मतलब है कि दो है NH3 है, ये टू का मतलब इसमें दो NH3, ठीक है। और अगर इसको मैं ओपन करके इस तरह लिख लूँ ऐसे होगा N2, ये सिंगल है तो एक ही दफ़ा मैंने लिख लिया, और ये हाइड्रोजन हमारे पास क्या है 3 है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1, 2 और ये हो गया 3, समझ आ गई, ये 3 है, मैंने ओपन करके लिख लिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ इसके जो नंबर ऑफ़ मोल है, ये इसकी जो सॉरी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन यूनिट हम अमोनिया का क्या किस तरह लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। इसी तरह ये जो नीचे है इसकी कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल ये इसका हो गया एंड इसकी 3 है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, रिमेन आपके पास क्या बच गया, ये तो 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वेयर, ये आपके पास यूनिट आ गया इस इक्वेशन का, इस केसी का, इस इक्वेशन के लिए जो केसी हमने इस्टेब्लिश किया उसका यूनिट आ जाएगा 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वेयर। इसको देखिए हमने ये इस तरह लिखे 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वेयर, ओके जी। अब यहाँ देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखी कि कैसे हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो केसी हमने लिखा, ये प्रोडक्ट आपने लिखा, देन रिएक्टेंट, उसके बाद इसका यूनिट आपने लिख लिया, तो देन ये यूनिट आपने आपस में कैंसिल कर दिए एंड ये 3 यहाँ था तो ये यहाँ आपके पास रिमेनिंग बच गया 2, तो 1/mol पर डेसीमीटर क्यूब, राइट। सो होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर विथ फ्रेंड्स, थैंक यू।